बढ़ने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। आज से 10 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे, स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, सुबह कोहरा भी ज्यादा होता है, दिखता नहीं राष्ट्रपति हो जहाँ से दौड़ते पास आके बहुत दिखता है। दिल्ली में बहुत धुंध पड़ा हुआ है और हम इधर सुबह शाम जो दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो प्रदूषण का बहुत ज्यादा प्रकोप है और आंखों में भी जलन होती है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं और स्मॉग दिल्ली को निगलने को तैयार बैठा है। जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तब दिल्ली में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। क्लाइमेट जैम्बोरी 3 दिन तक चलेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के युवाओं को जागरूक किया जाएगा। क्लाइमेट जैम्बोरी एक आंदोलन है जो भारत और दुनिया भर के युवाओं को विकास के लिए जोड़ना और सशक्त करना चाहता है। दालमिया क्लाइमेट जैम्बोरी का आज पहला दिन है और इस पहले दिन की थीम है वाई क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन की जरूरत क्यों है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ हैं पुनीत डालमिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डालमिया सीमेंट ग्रुप। एंड व्हाट डू यू थिंक इंडस्ट्रियलिस्ट का इसमें क्या रोल है, क्लाइमेट एक्शन की इसमें क्या जरूरत है? साइंस इसको ऑलरेडी साइंस के हिसाब से तो यही पता चलता है कि हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, तो इसमें एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एज ऑल्सो एन एक्टिव यू नो प्रोपेगेटर ऑफ क्लाइमेट एक्शन, व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि हम अपने आप से क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसको कैसे निभा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी इस तरह की कोई इशू उठता है तो आदमी बोलता है कि उसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या कर सकते हैं, आइदर एट एन इंडिविजुअल लेवल और एट अ कॉर्पोरेट लेवल। तो उसके लिए एट एन इंडिविजुअल लेवल मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लाइफस्टाइल चॉइसेस से अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे स्कूल बस में जाते हैं तो वो शेयर्ड ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें कम ग्रीन हाउस कम CO2 एमिट होता है पर स्टूडेंट। मैं एक इलेक्ट्रिक कार यूज़ करता हूँ जो कि हाइब्रिड है, तो अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वो बैटरी पे चलती है, उसके ऊपर वो पेट्रोल कंज्यूम करती है। तो थोड़े हद तक इंडिविजुअल यू नो चॉइसेस से आपका कार्बन फुटप्रिंट पर्सनल कम हो सकता है।